सेहत के लिए बहुत मुफीद है। पहला इसका पॉइंट ये है, डॉक्टर आजकल यही दिखाते हैं आप मक्की का आटे की रोटी खाओ। अच्छा। हाँ, इस चीज की ज्यादा डिमांड है। ये शुगर होगा जिसको, मोटापा होगा, इस पर ये रोटी बिल्कुल मुफीद है। दर्शकों, पानी कन्ने चलने वाली पुराने टाइम दे कराड़ दी परंपरा दूर दराज दे ग्रां पिंडें च अजे भी लब्बे करदी है। कराड़ एक पुरानी तकनीक है जिस विच बिना बिजली ते बिना मोटर दे आटा पीने वाली चक्की चलाई जांदी है, जिसकी कराड़ जा पन चक्की भी आखदे न। एक कराड़ पानी दी तेज तार कन्ने चलदा है। पुराने जमाने दी गल करचे ते पहाड़ी इलाके च दरिया दे कंढे उपर कच्चा पत्थर दा कमरा बनाया जांदा है, जिहदे अंदर परंपरा चक्की दे दो गोल पत्थर लगाए जांदे न। दोने चक्की दे पत्थर एक शाफ्ट कन्ने जुड़े दे हुंदे न ते इंदे खलकी साइड एक लकड़ी दा पक्खा हुंदा है, जेड़ा के पानी दे तेज प्रेशर लकड़ी दे पक्खे की टकरांदा है ते पक्खा घूमना शुरू हो जांदा है ते उदे कन्ने पत्थर दी चक्की तेज तेज घूमना शुरू हो जांदी है। दर्शको, अजकल दी गल करचे ते कराड़ च लोग पक्का कमरा ते पक्खे भी लोहे दे इस्तेमाल करदे न। इसके नीचे लकड़ी का पक्खा है, उस पर पानी लगता है, वो इस पत्थर को घुमाता है। कराड़ थमा आधा किलोमीटर दूर थमा पानी दी पतली कूल कड्डी जांदी है, जिहदा पानी दरिया थमा नखेड़िए ते कूल दे राहें कराड़ तक पुजांदे न ते उहदे अगे लकड़ी दी पतली नाली बनाई जांदी है, जिसी लकड़ी दा नाड़ा भी आखदे न, जिहड़ा पानी प्रेशर कन्ने कराड़ दे लकड़ी दे पक्खे की घुमांदा है ते उहदे बाद गै कराड़ चलदा है। दाने पाने लई छज्जा हुंदा है जिहदी कैपेसिटी तकरीबन 40 किलो दी डग्गी दी हुंदी है ते उहदे बाद चक्की दे चलने दे कन्ने थोड़े थोड़े दाने चक्की दे विच आउंदे हन ते चक्की दाने दा आटा बनांदी जांदी है। कराड़ दे चलाने ते रोकने लई एक पानी दी रुकावट लाई जांदी है, जिहदे कारण पानी दी तार रुकी जांदी है ते पानी रुकने दे बाद चक्की भी रुकी जांदी है। कराड़ हुण ग्रां पिंडें च भी लुप्त होवे करदे न, कि अजे बिजली दी मशीन आने दे कारण कराड़ लगभग लुप्त होवे करदे न। पुराने बुजुर्ग ते डाक्टरें दा मन्ना है कि कराड़ दे आटे दी चक्की दी रोटी सेहत वास्ते फायदेमंद हुंदी है, कई सारियां बीमारियों कोला दूर रहिंदा इंसान, जियां के शुगर, मोटापा और भी कई किस्म दियां बीमारियां। ये शुगर होगा जिसको, मोटापा होगा, इस पर ये रोटी बिल्कुल मुफीद है। ते लोग सेहत भी तंदुरुस्त रहिंदे न, कियां जे कराड़ दा आटा ताकतवर हुंदा है। कराड़ चलाने वाले लोगों की अपनी कराड़ उपर काफ़ी मेहनत भी करनी पौंदी है, जियां कि कराड़ चक्की की गति घट होने के बाद इन्हें चक्कियों की राणा भी पौंदा है ते उहदे बाद गै आटा पीने की गति ठीक हुंदी है। ते बरसाती महीने च जिस वेले दरिया का पानी अपने उफान उपर हुंदा है ते पानी कराड़ की कूल की तोड़िए ते कराड़ की नुकसान भी करता है, जिहदे कारण काफ़ी नुकसान भी कराड़ के मालकें की झेलना पौंदा है ते उन्हें ही काफ़ी मेहनत करने के बाद कराड़ का काम दोबारा पटरी उपर आता है। मशीनों कोला कराड़ के आटे का भाड़ा भी घट लगता है ते कराड़ का आटा कई सारिया बीमारियों कोला दूर रखता है। कराड़ चलाने वाले बुजुर्गों का आखना है कि पहाड़ी इलाके च लोग वानर सेना के ज़्यादा बदने के कन्ने मक्की की पैदावार घट करी चुके हैं, जिस दे कन्ने कराड़ कारोबारियों के काम च काफ़ी घाटा दिखने की लभ्या करता है। पुराने जमाने कोला काम काफ़ी घट हो गया है। कराड़ मालकें का यह भी मानना है कि नवी पीढ़ी इस काम च कोई इंटरेस्ट नहीं लै करती है। पुराने बुजुर्ग इस परंपरा की जिंदा ते रखते हैं पर नौजवान पीढ़ी इस कोला दूर होवे करती है। बुजुर्गें अपील की है कि नौजवाने भी कराड़ के कम च शर्म नहीं करनी चाहिए है ते इस काम की करने लई अगे आना चाहिए ताकि कराड़ की परंपरा की जिंदा रखी सकता है। दोस्तों, अज की इस खास रिपोर्ट च इन्ना गै, फी ग्रां की कोई और कहानी तुहाड़े तक पुजागे। साढ़े पेज की लाइक फॉलो जरूर करो, इस वीडियो की ज्यादा तो ज्यादा शेयर करो। जय माता दी।